तो चलिए आज मैं आपके साथ एक ऐसा बेहतरीन नुस्खा शेयर करने वाली हूँ जिसको फॉलो करके आप अपने हेयर को परमानेंटली स्ट्रेट रख सकते हो। ऑलवेज आपके बाल सीधे स्मूथ एंड काफी शाइनी सॉफ्ट नजर आएंगे। और आज मेरा थर्ड डे, इस DIY को मैंने सैटरडे अपने बालों पे अप्लाई किया था, संडे कुछ नहीं किया, मंडे आज वीडियो को शूट कर रही हूँ और कल ट्यूजडे यानी कि कल इस वीडियो को मैं अपलोड करूंगी। थर्ड डे भी आप मेरे बालों में वो बाउंस, वो स्ट्रेटनिंग, वो स्मूथनिंग एंड वो शाइन देख सकती हो। तो इसी तरीके से आपके बाल भी परमानेंटली स्ट्रेट हो जाएंगे। बस इस DIY को आपको अपने रूटीन में इन्वॉल्व करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और इस वीडियो में कोई बकवास नहीं, सीधे काम की बात। तो सबसे पहले मैं आपका एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि पार्लर में जो स्ट्रेटनिंग होती है और घर पे जो स्ट्रेटनिंग होती है उसमें बहुत फर्क होता है। पार्लर में आपके बाल बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं, यानी कि वो बिल्कुल प्रेसराइज हो जाते हैं, बिल्कुल चिपके चिपके आपके बाल सीधे नजर आते हैं। लेकिन जो घर पे हम हेयर स्ट्रेटनिंग करते हैं उसमें आपके बालों में बाउंस आता है, यानी कि आपके बाल खुले खुले घने घने दिखाई देते हैं। और ये इसलिए मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मोस्टली लोगों को ये लगता है कि नहीं, मैंने पार्लर ट्रीटमेंट लिया है या 3 से 4 साल हो गए, मेरे बाल ऐसे ही स्ट्रेट है, ऑलवेज तो मैं पार्लर ट्रीटमेंट नहीं लूंगी ना। और दूसरी चीज ये कि अगर मैं बार बार पार्लर ट्रीटमेंट लूंगी तो मेरे सिर पे तो बाल ही नहीं बचेंगे। अभी जो बाउंस देख रहे हैं आप, जो मेरे बालों की थिकनेस देख रहे हैं आप, ये घर पे जो DIY मैं यूज करती हूँ ना उसका बेनिफिट मुझे मिला। और ये सब आपके सामने हुआ है, ऐसे थे मेरे बाल और अब ऐसे हो चुके हैं, यानी कि जो ग्रोथ हुई है, जो बालों में थिकनेस आई है, जो बाल नेचुरली स्ट्रेट दिखते हैं, वो सब आपके सामने हुआ। और जो भी DIY मैं यूज करती हूँ वो आपको भी बताती हूँ, तो आप भी अगर उन्हें फॉलो करेंगे तो आपके बालों की थिकनेस, लंबाई या आपके बालों का जो लुक है वो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। और इस DIY को आपको हर हफ्ते एक बार तो जरूर ट्राई करना है। रेगुलर आप इसे सिर्फ 2 महीने तक ट्राई करके देखो, आपके बालों में ऐसा लस्टर आएगा कि आपके बाल अपने आप ही शाइन करेंगे, बालों में स्मूथनिंग आ जाएगी, बाल स्ट्रेट रहने लगेंगे और ऑलरेडी आपकी ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाएगी। तो बस ये छोटा सा फॉर्मूला है, इसके लिए आपको अलग से कोई टाइम नहीं निकालना है। जब भी आप अपने हेयर को वॉश करते हो उससे पहले इस ट्रीटमेंट को अपने बालों पे अप्लाई करना है और उसके बाद अपने हेयर को वॉश कर सकते हो। तो चलिए हम अपनी DIY को प्रिपेयर करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें 2 इंग्रेडिएंट प्रिपेयर करके रख लेना है, यानी कि हमें 2 इंग्रेडिएंट पहले से ही बना के रख लेना है। पहला है एलोवेरा जेल जो कि मैं फ्रेश यूज कर रही हूँ और दूसरा है कोकोनट मिल्क। और ये दोनों ही इंग्रेडिएंट हमारी इस प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एलोवेरा जेल को तो मैंने सबसे पहले कुछ लीव्स लेके उन्हें अच्छे से वॉश करके उसका जो भी जेल था वो सेपरेट कर लिया है। तो मेरे पास यहाँ पे 1/2 बाउल एलोवेरा जेल सेपरेट हो चुका है। कोकोनट मिल्क को बनाने के लिए मैंने कुछ रॉ कोकोनट लिया था, यानी कि कच्चा नारियल लिया था और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट के उसमें थोड़ा सा पानी डाल के और मिक्सर में ग्राइंड कर लिया था और उसके बाद मैंने उसे फिल्टर कर लिया। तो उसका जो मिल्क है वो सेपरेट हो जाएगा और आप चाहो तो इसे स्टोर करके भी रख सकते हो, बिकॉज ये हेयर ग्रोथ के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होता है। तो आप जितना यूज करना अभी यूज करना, उसके बाद बाकी का आप सेपरेट करके स्टोर कर सकते हो। तो दोनों इंग्रेडिएंट हमने यहाँ पे प्रिपेयर कर लिए हैं और अब हम स्टार्ट करते हैं आगे का प्रोसेस। एंड अब आप सबसे पहले थोड़े से चावल लेंगे, करीब 1/2 बाउल यानी कि 1/2 कटोरा, और उसे आपको एक कंटेनर में ऐड करना है। उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करिए और उन्हें अच्छे से वॉश कर लीजिए। आपके घर में जो चावल है, जिस टाइप के चावल हैं, आप वो यूज़ कर सकते हो। वॉश करने के बाद पानी को निकाल दीजिए एंड अब आप इसमें चाहो तो फिल्टर वाटर ऐड करो या फिर आपके घर में जो पीने का पानी है आप वो 1 कप या 1 ग्लास ऐड कर सकते हो। और इसे करीब आपको 5 से 6 मिनट तक बॉईल करना है, लेकिन उससे पहले हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून अलसी। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो, लेकिन है तो प्लीज़ ज़रूर ऐड करना। और उसके बाद जब आप इसे 5 से 7 मिनट तक उबाल लो कि जो पानी हमने ऐड किया था वो थोड़ा सा थिक हो जाएगा, और देन हम गैस को ऑफ कर देंगे। उसके बाद आप इसे ठंडा कर लीजिए, पूरी तरह नहीं ठंडा करना, जब ये हल्का हल्का गर्म रहे तभी आप इसे फिल्टर कर लीजिए। आप चाहें तो छन्नी से छान सकते हैं या फिर आप सूती कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हमारे पास यहाँ पे 2 रेसिपी रेडी हैं, एक हमने जो फिल्टर वाटर किया है और दूसरा जो हमारे पास चावल एंड अलसी है जो हमने उबाला है, लेकिन इनमें से अभी कोई भी हमारे बालों के लिए रेडी नहीं है। सबसे पहले हम अपना एलोवेरा जेल लेंगे जो हमने पहले प्रिपेयर किया था। तो चावल में हमें ज़्यादा ऐड करना है और वाटर में कम करना है, बिकॉज वाटर ऑलरेडी उसमें हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। तो 1 टेबल स्पून एलोवेरा जेल आप उसमें ऐड कर दोगे एंड उसके बाद हम अपना कोकोनट मिल्क लेंगे। मिल्क हमें दोनों में ही ऐड कर देना है, क्वान्टिटी आप इसमें करीब 3 से 4 टेबल स्पून रख सकते हो। एंड राइस में हम इसलिए ज़्यादा ऐड करें बिकॉज हम जब इसका पेस्ट बनाएंगे तो पेस्ट हल्का सा थिन रहना चाहिए। ऑलरेडी वाटर में तो वाटर है, उसमें ज़रूरत ही नहीं है ज़्यादा। एंड उसके बाद हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल दोनों में ही, एंड देन हम वाटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे स्पून के थ्रू या जैसे भी आप मिक्स करना चाहें। एंड ये वाटर आपके बालों के लिए रेडी है, लेकिन उससे पहले हम अपनी 2nd रेसिपी को भी तैयार करके रख देते हैं।
तो जो हमारा अलसी एंड राइस का मिक्सचर है उसे हम ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करके उसका पेस्ट बना लेंगे, और उससे पहले हम फिल्टर कर लेंगे ताकि हमारा एक स्मूथ सा पेस्ट रेडी हो। तो मैंने यहाँ पे एक बड़ी सी सीव का यूज़ किया है, आप चाहें तो इसे कॉटन क्लोथ से या नॉर्मल सीव से भी फिल्टर कर सकते हैं। और छानने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा, करीब 3 से 4 मिनट तक, लेकिन जब आप इस तरीके से स्पून से शेक करोगे तो आराम से ये फिल्टर हो जाएगा। उसके बाद आपका बिल्कुल स्मूथ पेस्ट यहाँ पे रेडी हो जाएगा। एंड पहले हम फर्स्ट वाली DIY अप्लाई करेंगे, यानी कि पहले हम वाटर अप्लाई करेंगे। तो जो भी आपके ड्राई हेयर हैं या जैसे भी हैं, आप उनमें डायरेक्टली इस वाटर को अप्लाई कर लोगे। और आप इसे स्कैल्प से स्टार्ट करना, बिकॉज ये हमारे बालों की ग्रोथ के लिए और हेयर फॉल दोनों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। साथ में ये एज अ कंडीशनर की तरह काम करेगा, जिससे आपके हेयर को भी स्मूथ करेगा और जो भी ड्राइनेस है या आपके बालों में फ्रिजनेस है उससे भी रिमूव कर देगा। तो अच्छे से मैंने पूरे स्कैल्प को कवर कर लिया है, लोअर हेयर को भी अच्छे से कवर कर लिया, और लास्ट में जो हमारा टिप एरिया है उससे हम इस बाउल में डिप कर देंगे, जो कि मैं हमेशा करती हूँ। इससे हमारे बाल दो मुँह होने से या ब्रेकेज से बचे रहते हैं। और उसके बाद आप एक बन बना लीजिए, नॉर्मली जूड़ा, एंड करीब इसे 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। एंड 20 मिनट बाद अब हम अपनी सेकंड रेसिपी यानी कि सेकंड DIY अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारे बाल बहुत ही सॉफ्ट हो चुके हैं, काफ़ी मॉइस्चर उनमें आ चुका है, आप देख रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल बाल अलग अलग हो गए हैं। और अब हम अपनी सेकंड DIY को अप्लाई करते हैं। तो इसे हम डायरेक्टली अप्लाई कर लेंगे, कोई हमें हेयर वॉश नहीं करना है, और इसे आप थोड़े थोड़े पार्ट में अप्लाई करिए, थोड़ा थोड़ा बालों का सेक्शन लीजिए, और उसके बाद आप इसे अप्लाई करोगे, जिससे ये आपके हर एक बाल को अच्छे से कवर कर लेगा। क्योंकि अगर आप ऊपर से लगाओगे तो सिर्फ ऊपर वाले एरिया पे लगेगा और नीचे के बाल ऐसे ही रह जाएंगे, तो इसलिए आप थोड़े थोड़े पार्ट में डिवाइड करिए। और आप इसे स्कैल्प से लगा सकते हैं, बिकॉज जो भी इंग्रेडिएंट हम यूज़ करें वो हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करेंगे और हर तरीके से आपके बालों के लिए अच्छे हैं। तो पूरे बालों को अच्छे से कवर करने के बाद वही लास्ट में हमारा मेथड है कि हमारे टिप हेयर को हमें पूरे सॉल्यूशन में डिप कर देना है। और उसके बाद आप इसे करीब 20 या 30 मिनट के लिए ऐसे ही अपने बालों को छोड़ दीजिए बिना फोल्ड किए हुए, एंड देन हम अपना हेयर वॉश करेंगे। तो सबसे पहले हमें अपने बालों को अच्छे से रिंस करना है ताकि जो भी सॉल्यूशन है वो निकल जाए, एंड देन आप अपना शैम्पू अप्लाई करिए, शैम्पू से अपने स्कैल्प को क्लीन करिए, साथ में बालों को भी थोड़ा थोड़ा क्लीन कर दीजिए, एंड उसके बाद आप अपना हेयर वॉश कर लीजिए, यानी कि दोबारा से हमें रिंस कर लेना है। और उसके बाद आप तुरंत, यानी कि जब आप अपने बालों को वॉश करते जाओगे ना, आपको वहीं पर रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा, आपके बाल पूरी तरीके से मॉइस्चराइज एंड स्मूथ हो जाएंगे। एंड उसके बाद आप चाहें तो नहा सकते हैं। नहाने के बाद हल्का हल्का हमें अपने बालों को वाइप करना है टॉवल से, और ड्राई होने से पहले आपको अपने बालों पे कोई भी सीरम या जेल अप्लाई करना है, या कोई भी आप हेयर लोशन अप्लाई कर सकते हो। देखिए, सीरम हमारे बालों को स्मूथ, स्ट्रेट एंड शाइनी रखता है, साथ में हमारे बालों को प्रोटेक्शन भी देता है, तो इसलिए आपको सीरम तो ज़रूर यूज़ करना चाहिए। चाहे आप DIY ही यूज़ कर सकते हैं, मैंने कई वीडियो शेयर करी हैं, तो आप सर्च कर सकते हो। और सीरम अप्लाई करने के बाद हमें अपने बालों को सूखने के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। आधे या एक घंटे बाद हमारे बाल अच्छे से ड्राई हो जाएंगे, और उसके बाद आप कॉम्ब करोगे, और उसके बाद आप देखेंगे मैजिक, बिल्कुल मिरेकल। जैसे जैसे आप अपने बालों को कंघी करेंगे, आपकी कंघी आपके बालों से फिसलेगी, यानी कि आपके बाल इतने स्मूथ हो चुके हैं, बिल्कुल हाइड्रेट हो चुके हैं। जब भी आप इस तरीके का कोई भी इंग्रेडिएंट या कोई भी पेस्ट अप्लाई करते हो, मास्क अप्लाई करते हो, तो इससे हमारे बाल जो डैमेज, ड्राई, फ्रिजी होती हैं वो रिपेयर हो जाते हैं। कोई भी दीवार अगर वो खुरदुरी है तो वो स्मूथ नज़र नहीं आती, जब आप इसे अच्छे से रिपेयर कर देते हो तो बिल्कुल स्मूथ हो जाती है। इसी तरीके से हमारे बालों की भी वॉल होती है, जिसे हम क्यूटिकल लेयर बोलते हैं, जब वो डैमेज होती है तो जो उसका सरफेस होता है वो रफ होता है, उसकी वजह से हमारे बाल आपस में उलझते हैं। और जब हमारे बाल बिल्कुल स्मूथ हो जाते हैं तो बालों में जो शाइन आती है, बाल खुले खुले रहते हैं और आपस में उलझते भी नहीं है। और जो भी इंग्रेडिएंट हमने यूज़ किया वो हमारे बालों को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करती है। कोकोनट मिल्क या एलोवेरा जेल या राइस वाटर या अलसी का वाटर, आप जानते हैं कि सभी हमारे बालों में मॉइस्चर को ऐड करते हैं, जिससे हमारे बाल बहुत अच्छे से हाइड्रेट हो जाते हैं और बाल हेल्दी नजर आते हैं। रिजल्ट एंड आप देख सकते हैं कि बालों में जो बाउंस है, बालों में जो थिकनेस है, एक नेचुरल स्ट्रेटनिंग है, ये आपको पार्लर में नहीं मिल सकती। चाहे आप लिक के ले लो या जो भी आपके फ्रेंड करवा के आए हैं स्ट्रेटनिंग, स्मूथनिंग, उनकी बालों में और अपने बालों में आप डिफरेंस देखेंगे कि उनके बालों की जो थिकनेस है या लुक क्या है और आपके बालों का क्या है। जो नेचुरल स्ट्रेटनिंग करते हैं ना, वो हम अपने बालों को एक तरीके से पोषण देते हैं, यानी कि उन्हें फूड देते हैं, जिससे वो अपने आप ही अपनी शेप में आ जाती हैं। लेकिन जब आप केमिकल ट्रीटमेंट लेते हो तो उसमें जबरदस्ती आपके बालों को स्ट्रेट किया जाता है,
और जब आप DIY फॉलो करते हो तो उससे आपके बालों में ग्रोथ भी होती है, थिकनेस भी बढ़ती है, हेयर फॉल भी कंट्रोल होता है, बिकॉज ये हर तरीके से बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट है आपके स्कैल्प और आपके हेयर के लिए। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा, एंड हेल्पफुल है तो शेयर भी जरूर करना। थैंक्स टू वॉच फुल वीडियो, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।